दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नई जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ को भेजने के लिए या डॉक्यूमेंट हो या किसी भी तरह का पार्सल हो, तो उसके लिए आप दो चीज़ का सहारा लेते हैं, या इंडिया पोस्ट की सहारा लेते हैं या किसी भी कोरियर कंपनी का आप सहारा लेते हैं, जिसकी मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह से अपना कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी सामान भेज सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई भी सामान भेजने के लिए आपको जो आपके वजन के अनुसार जितना भी आपका पार्सल का वजन है उतना आपको चार्ज लिया जाता है। कितने वजन का कितना चार्ज लिया जाता है, कितना सीएम, कितना एमएम का कितना चार्ज लगता है, वो आप निकाल सकते हैं ऑनलाइन आज के इस वीडियो में। प्लस किस एड्रेस से किस एड्रेस पे जाने के लिए, कोरियर पहुंचने के लिए कितना समय लग सकता है, और किस एड्रेस पे इंडिया पोस्ट की सर्विस अवेलेबल है और किस पे पार्सल की सर्विस अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे एड्रेस है जहाँ पे पार्सल अवेलेबल नहीं है लेकिन इंडिया पोस्ट अवेलेबल है। तो किस जगह किस एड्रेस पे पार्सल अवेलेबल है, किस एड्रेस पे इंडिया पोस्ट की सर्विस अवेलेबल है, वो भी आप ऑनलाइन जान सकते हैं। और कितने वजन का और कितने सीएम कितने इंच का पार्सल भेजने में कितना चार्ज लगेगा, वो भी आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। और आप अपने एड्रेस या जहाँ भी भेजना चाहते हो वहाँ से उस एड्रेस पे जो आपको कोरियर का समय लगेगा, पहुँचने का समय लगेगा, वो कितना टाइम लगेगा, ये सारा चीज़ आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, ऑनलाइन जान सकते हैं। मान लीजिए मैं बिहार से हूँ, तो मैं अपने बिहार से दिल्ली अगर कोई सामान भेजता हूँ तो इसमें कौन कौन सी सर्विस अवेलेबल है, मतलब कि कौन कौन कोरियर अवेलेबल है, इंडिया पोस्ट अवेलेबल है, कितना समय किससे लगेगा, इंडिया पोस्ट से कितना समय लगेगा, कोरियर से कितना समय लगेगा, स्पीड पोस्ट कितना समय लगेगा, क्या चार्ज लगेगा, ये सारा चीज़ आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं आज के इस वीडियो की मदद से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको हमेशा की तरह आपको इस चैनल पर नॉलेजफुल जानकारी देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिहार में आरटीपीएस सर्विस प्लस की वेबसाइट से आवासीय आई जाति के लिए ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस वीडियो की मदद से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में बताया गया था किस एपीएस से आप एक दिन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कैश विड्रो, इस वीडियो में मैंने लाइव आपको दिखाया। इसी तरह के मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे वीडियो दे चुका हूँ। आप वीडियो में YouTube पे सर्च करेंगे जीशान मॉनिटर और आपको ये लोगो मिल जाएगा। इस चैनल पर आप वीडियो लिस्ट पे आके वीडियो देख सकते हैं, जितने मैंने वीडियो आपके लिए अपलोड की ये सारा वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया था किसी भी तरह का अपना खुद का कंपनी और या एंड्रॉयड ऐप या वेबसाइट किस तरह आप ऑनलाइन बना सकते हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया था। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया हूँ, या आप ब्राउजर में सर्च करेंगे indiapost.gov.in। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ आपको एक ट्रैक करने का मिल जाता है, मतलब किसी जगह पे आप कोरियर या पोस्ट कर दिए तो उसका स्टेटस देख सकते हैं वो अभी कहाँ है। तो उसमें आपको एक नंबर मिला होगा, उस नंबर को यहाँ पे रिसिप्ट नंबर को यहाँ पे देंगे, इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे और यहाँ पे ट्रैक नो पे क्लिक करके आप जाँच सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो आज का वीडियो टॉपिक है वो है क्या चार्ज लगेगा, कितना समय लगेगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे एक कैलकुलेटर दिया गया, कैलकुलेटर के आइकन जो ये कैलकुलेटर पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे आप कैलकुलेटर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इस तरह का फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे डोमेस्टिक के मतलब अपने डोमेस्टिक में आप भेजना चाहती है या इंटरनेशनल विदेश भेजना चाहती है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट करना। मैं डोमेस्टिक को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सेंड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ भेजना चाहते हैं, किस पिन कोड से किस पिन कोड तक भेजना चाहते हैं। अगर आपको अपने एरिया का पिन कोड मालूम नहीं है तो यहाँ फाइंड पिन कोड कर सकते हैं। मुझे मालूम है तो मैं यहाँ पे अपने एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पे हम फिलअप कर देते हैं। जैसे हम एरिया का पिन कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे तो वैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आ जाएगा, और इस एड्रेस से किस एड्रेस पे हमको कोरियर करना है या पोस्ट करना है उसका पिन कोड यहाँ देंगे। अगर उसका पिन कोड हमें नहीं मालूम तो यहाँ फाइंड पिन कोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह यहाँ पे वर्क आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना होगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं स्टेट सेलेक्ट कर लूँ, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप देना चाहिए, मैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब न्यू दिल्ली में जितने भी पोस्ट ऑफिस वो सारे यहाँ पे शो कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अभी एक ये वाले सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। जैसे सबमिट करता हूँ तो यहाँ पिन कोड फिलअप हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पूछा सेलेक्ट एन आइटम, क्या आप भेजना चाहते, किसी लेटर है या डॉक्यूमेंट है,
ठीक है, मतलब कोई पेज या लेटर वगैरह डॉक्यूमेंट है तो वो आप दे सकते, पार्सल है या बुक है, किस तरह का आपका प्रोडक्ट है, रजिस्टर न्यूज़पेपर है, सिंपल पेपर है, पोस्ट कार्ड है, जो भी आप प्रिंटर पोस्ट कार्ड है, जो भी इंडियन पोस्टल ऑर्डर है, जो भी आप भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं पार्सल करने वाला कुछ सामान को भेजूंगा, तो यहाँ पे पार्सल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पार्सल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको एक पीडीएफ भी दिया जाता है, जिसकी मदद से आप हिंदी में जान सकते हैं किसकी क्या पूरी जानकारी आपको इस पीडीएफ की मदद से हिंदी में दिया गया है। ठीक है, इस पीडीएफ को भी आप पढ़ लीजिएगा, आप पूरी तरह यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस पीडीएफ के अनुसार। तो चलिए, उसके बाद यहाँ पूछ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको वजन देना है ग्राम में, ठीक है, और लंबाई चौड़ाई और हाइट, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे आपको देना होगा ग्राम में और इंच में, यहाँ पे आपको देना है वजन, जो भी आप पार्सल भेज रहे हैं उसका वजन क्या है इन ग्राम, उनका वजन जो ग्राम में आपको देना होगा, जितना भी उनका वजन होगा वो आप ग्राम में यहाँ पे दे, मैं यहाँ पे 100 ग्राम यहाँ पे देता हूँ, इनका वजन 100 ग्राम है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है उनकी लंबाई, लंबाई क्या है वो आपको सीएम में देना होगा, तो मैं यहाँ पे 3 cm दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है चौड़ाई, जो आप पार्सल भेज रहे हो उसकी चौड़ाई क्या है, वो भी आपको सीएम में देना होगा, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे हाइट देना होगा, क्या हाइट है उनकी, क्या हाइट है वो देना, तो मतलब कि ऊंचाई क्या, हाइट क्या है वो आपको यहाँ पे सीएम में देना होगा, वो देंगे। उसके बाद ये आपका पूरा हो, उसके बाद यहाँ पे गेट अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट अवेलेबल सर्विस क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए दो सर्विस अवेलेबल, एक पार्सल है और एक स्पीड पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पार्सल से भेजेंगे तो विद इन 5 से 7 डे, यानी कि 5 से 7 दिन लगेंगे जाने पहुँचने में। अगर हम स्पीड पोस्ट करते हैं तो 4 से 5 दिन लगेंगे, जिससे आप करना है वो यहाँ पे समय बता दिया गया है। अगर आप पार्सल करते हैं तो 5 से 7 दिन लगेगा, अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो 4 से 5 दिन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्पीड पोस्ट कम दिन में पहुँच रहा है, तो हम स्पीड पोस्ट को यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये इस तरह लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पे आपको एक एडिशनल सर्विस भी दिया जाता है कि आप अगर आप जो आप भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट, अगर उसकी आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आप उनकी इंश्योरेंस भी यहाँ करा सकते हैं। और जब वो डिलीवरी कर ले, उनका डिलीवरी प्रूफ आपको चाहिए, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई कोई कोरियर, मतलब कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई भी सामान आता है, तो वहाँ पे जो रिसीव करता है उनका सिग्नेचर करवाया जाता है। तो अगर वो प्रूफ भी आपको चाहिए तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। अगर आप अपनी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो इंश्योरेंस भी यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस को जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट देना होगा, आपका जो ये पार्सल है ये कितने, तो यहाँ पे कह रहा है जो आप पार्सल भेज रहे हैं उसकी कीमत क्या है, उसकी अमाउंट क्या है। तो मेरा यहाँ पे अमाउंट की 500 है, तो मैं 500 यहाँ पे दे दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं, तो इस तरह आप इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। इंश्योरेंस करेंगे और प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी चाहिए, तो ये सब मिलाकर आपको चार्ज क्या लगेगा। तो यहाँ पे मैं अभी ये सब दिया, उसके बाद यहाँ पे एक 5 माइनस 0 यानी कि 5 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 5। ये एक गणित भी आपको, मैथ भी दिया जाता है, मतलब कि ये साबित करने के लिए आप इंसान हैं, आप कोई रोबोट नहीं हैं। उसके बाद यहाँ गेट प्राइस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट प्राइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने प्राइस आ जाएगी। सबसे यहाँ पोस्टल अमाउंट जो वो 60 रुपये है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का जो प्रूफ लीजिएगा उसका 10 रुपया आपको लगेगा, प्लस इंश्योरेंस जो करा रहे हैं उसका आपको 28 रुपये देना होगा, और GST आपको 17 रुपये देने होंगे। टोटल मिला के आपको 115 रुपये यहाँ पे आपको देने पड़ जाएंगे, जिसमें आपका इंश्योरेंस भी होगा और प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस को अनटिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चर को फिलअप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चर को फिर से देंगे, उसके बाद गेट प्राइस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट प्राइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो इंश्योरेंस वाले ऑप्शन है इसको मैंने अनटिक कर दिया था, उसके बाद जो हमारा अमाउंट लग रहा है वो यहाँ पे 82 रुपये लग रहा है, जिसमें इंश्योरेंस का चार्ज हटा दिया गया। अब हमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी नहीं चाहिए, उसका उसका क्या चार्ज लगेगा, तो उसके बाद अनटिक इसको भी करेंगे, इस कैप्चर को यहाँ फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर हम मैंने कैप्चर फिलअप कर दिया, उसके बाद गेट प्राइस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने गेट प्राइस पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो इनका कैप्चर है वो गलत हो चुका था, कैप्चर हम एक बार फिर से देते, उसके बाद गेट प्राइस पे क्लिक करते, तो उसके बाद जो हमारा पार्सल का प्राइस है वो इतना रुपए लगेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने इंश्योरेंस नहीं करा और प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब जो मैं इतना वजन का, इतनी लंबाई, इतनी ऊंचाई का, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कितने वजन का कितना हमें चार्ज लगेगा। तो इसके लिए आप लोग जाते थे कि पोस्ट ऑफिस, वहाँ से पता करते थे इतना वजन का कितना रुपया चार्ज लगेगा। तो अब यहाँ ऑनलाइन आप पता कर सकते कितना वजन कितना रुपया चार्ज लगेगा, कौन कौन से सर्विस उस एरिया में अवेलेबल है, कितना समय लगेगा। अगर इंश्योरेंस आप कराना चाहते तो इंश्योरेंस भी कराना करा सकते हैं। अगर आपका इस प्रोडक्ट खो जाता है तो उस स्थिति में आपको इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है। और जिस तरह आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई भी पार्सल आता है तो वो सिग्नेचर कराते हैं, प्रूफ करवाते हैं। वो प्रूफ भी आपको चाहिए तो प्रूफ आप डिलीवरी टिक मार का लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना ही भूलिएगा।